हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने ऑफिस अपना काम फिनिश किया है और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ स्टेशन की ओर, क्योंकि आज मेरे को जाना है शाहजहाँपुर हनुमत धाम। तो मैं आज आपको इस ब्लॉग में हनुमत धाम के दर्शन कराऊँगा। और पहले मैं यहाँ से निकलूँगा स्टेशन, फिर वहाँ मेरे एक यूट्यूबर भाई हैं फा गेमर नाम से, इनका यूट्यूब चैनल है जिनके 3.5 लाख प्लस इनके सब्सक्राइबर हैं। तो मेरी आज इनसे भी मुलाकात होगी और यही भाई मेरे को अपने हनुमत धाम के दर्शन कराएंगे। तो चलिए पहुँचते हैं स्टेशन। दोस्तों मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ। तो बिल्कुल अभी मैं स्टेशन पहुँचा हूँ, बाइक में अपने पीछे पार्क कर चुका हूँ और आप ये देख सकते हैं बरेली स्टेशन। दोस्तों ये हमारा इधर बरेली का स्टेशन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखते हैं हमें शाहजहाँपुर के लिए समय कौन सी ट्रेन मिलेगी और फिर मैं अपने आगे उसी ट्रेन से शाहजहाँपुर के लिए निकलूँगा। मैं स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। ये मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। समय लखनऊ मेल खड़ी हुई है और जहाँ तक मैं इसी से निकलूँगा, इसी लखनऊ मेल से मैं अपने आगे की ओर जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं बरेली का स्टेशन है। दोस्तों मैं इसी ट्रेन से निकलने वाला हूँ शाहजहाँपुर के लिए। भैया थोड़ा साइड हो आगे जाना। और यहाँ मैं अपनी बर्थ को ढूंढते हुए, तो दोस्तों अब सीधे आप लोगों से मुलाकात होगी धाम पे पहुंच के। सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं आया हूँ ये अपने शाहजहाँपुर के हनुमान धाम। जी हाँ, हनुमान धाम, हनुमत धाम भी बोलते हैं इसको। और आज मैं आपको इन्हीं के दर्शन करवाने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख के भी समझ ही गए होंगे। चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो रास्ता है, यही हनुमान धाम के लिए जाता है, ये सीढ़ियाँ वगैरह हैं। और ये मेरे यूट्यूबर साथी, जो मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे मेरे दोस्तों, ये वो मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं जिनके बारे में मैंने आपको बरेली से चलने से पहले बताया था। यूट्यूबर दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं, काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। आज मैं इन्हीं के माध्यम से यहाँ पहुँचाऊँ। हम लोग जा रहे हैं, ये हमारा छुटका बहुत ही शैतान है, ये बहुत मौज मस्ती करता है ये। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, आगे आपको दर्शन कराएंगे। अभी आपको दिखाएंगे हनुमान जी की प्रतिमा, बहुत ही विशाल प्रतिमा है ये, 102 फीट ऊंची प्रतिमा है। जी हाँ, टोटल इसका साइज़ है नीचे से जो आप बेस देख रहे हैं, बेस से लेके ऊपर तक ही हो जाती है 122 फीट। जी तो दोस्तों ये वो विशाल हनुमान जी की प्रतिमा अपनी। जी बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी विशाल काय प्रतिमा लगी हुई है, देख सकते हैं ये नीचे इस बेस पे बनी हुई है, ये वो बेस है जिस पे प्रतिमा ये अपनी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये खन्नौत नदी के ऊपर बनी हुई है, बीचों बीच में ये टापू बना हुआ है। इस टापू के ऊपर इस मूर्ति को बनाया गया है करीब आज से 10-12 साल पहले। सिंपल वाला, हाँ ये वाला है। दोस्तों हमारे प्रसाद जी आज मैं प्रसाद ले चुके हैं। मान की जय। दोस्तों ये वो जूते चप्पल स्टैंड है, यहाँ हम सब जूते वगैरह अपने उतार सकते हैं। इसी स्टैंड में अपना सब जूते वगैरह उतारिए, यहाँ आप अपना हाथ वगैरह धो सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग हाथ धोएंगे तो पैसा चढ़ाने चले गए।
काल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात नटारो ते बन आनी करी विनती तब छण दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट दोस्तों हम लोग प्रसाद चढ़ा चुके हैं, बाबा से आशीर्वाद ले चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये यहाँ पूजा पाठ में अपने लीन है, बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं, बैठे हुए हैं। दोस्तों ये वो गदा है। बाली की त्रास तपिस बस गिरी जात महाप्रभु पंथ निहार महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचार कैद्विज रूप ली। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऊपर आगे बड़ी शांति है, बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ मैं। मन नहीं करता मेरा यहाँ से घर जाने का, मन करता है मैं यहीं अपना आसन लगाऊँ और बाबा के चरणों में ऐसे बैठ जाऊँ, बजरंग महाराज के चरणों में ऐसे बैठा रहूँ और आनंद महसूस करता हूँ। बहुत ही प्यारी हवा चल रही है इस समय, गर्मी जरूर है लेकिन इतनी गर्मी नहीं है कि आप यहाँ परेशान हो जाएँ। बहुत अच्छा मौसम है और आप देख सकते हैं सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस समय, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को। भयो जग को यह संकट काहू सो जात नटा। देख सकते हैं ऑल लोग यहां आए हुए दर्शन करने के लिए, सब एंजॉय कर रहे हैं इस प्लेस को। तब छण दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन साइड पोज भी आप देख सकते हैं प्रतिमा का। एक बड़ी जी भी है, मैं आपको इधर भी जाके दिखा देता हूँ। किधर जाता है दोस्तों, फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ इस पुल के ऊपर, आप देख सकते हैं ये वो पीछे का रास्ता है जहाँ से मैं भी आया था। ये पीछे अपने हनुमान जी बजरंगबली की प्रतिमा, जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, ये ब्रिज के ऊपर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पूरा 360 में घूम के आपको दिखा रहा हूँ। रावण त्रास दही सिया को सब राक्षसी सो कहीं शो। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इस रास्ते से भी आया था और समय हनुमान महाप्रभु जाए महा रजनी चर मारो चाहत सिया अशोक सो आगी शोध प्रभु मुद्रिका शोक निवारो को नहीं जानत है शायद मेरे हिसाब से बंद है, यहाँ तक बंद दिख रहा है मेरे को, यहाँ कोई जा नहीं रहा है दर्शन वगैरह करने के लिए। सकते हैं मैं इसी रास्ते से भी पीछे से आया था, अब मैं मूर्ति के बैक साइड जा रहा हूँ, देखते हैं इधर क्या बना हुआ है। ये मूर्ति के बैक साइड का सीन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, पता नहीं ये लोग क्या बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं या क्या बन रहा है यहाँ, अभी मुझे भी जानकारी नहीं है इसके बारे में। आप लोग देख पा रहे होंगे ये कुछ कंस्ट्रक्शन अधूरा पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर यहाँ कुछ ना कुछ बनने की तैयारी हो रही है, देखते हैं कुछ सालों बाद यहाँ क्या बन के तैयार होता है। अभी देख सकते हैं ये मूर्ति के मैं बैक साइड आ चुका हूँ, ये अपने बजरंगबली गधे के साथ करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा मैं एंट्री गेट देख रहा हूँ जो कि ग्रास का बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा द्वार लग रहा है ये। देखिए आप एक गेट ये भी देख सकते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया ग्रास की कटिंग से बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा गेट लग रहा है ये भी। और ये कुछ भक्त लोग यहाँ पे अपने आए हुए हैं जो सेल्फी वगैरह ले रहे हैं इस पॉइंट पर, जैसे कि आप देख पा रहे। दोस्तों आपने देखा हम मूर्ति के इस पार से गए थे और उस पार से घूम के पूरा राउंड लगा के अपने इसी पॉइंट पे वापस फिर से आ गए, तो देखते हैं चलिए बने रहिए। लास्ट में फाइनली हम जहाँ से हमने शुरू किया था इसी जगह से शुरू किया था और लास्ट में इसी जगह पे हम फिर अपने आ चुके हैं।
साथ। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ ये बाहर की ओर, आप देख सकते हैं इसी रास्ते से हम लोग आए थे और इसी रास्ते से हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। यही वो मेन गेट कह सकते हैं आप, यही वो एक एंट्री गेट है जो चैनल लगा हुआ है। ये 4 बजे से पहले अगर आप आएंगे तो आपको ये बंद मिलेगा, तो हमेशा ध्यान रखें 4 बजे के बाद ही आएँ तभी आपको ये ओपन मिलेगा, और 4 बजे के बाद ही आपकी एंट्री हो पाएगी अगर आपको अंदर जाना है, वरना आप इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते। तो दोस्तों अब हम थोड़ा बाहर आ चुके हैं, ये रास्ता हमारा इधर पार्किंग की ओर जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट मार रहे हैं हम लोग। वैसे एक रास्ता दूसरा भी है लेकिन हम शॉर्टकट मार रहे हैं जिसके कारण हम इधर से जा रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। ये भाई भी हमारी ब्लॉगिंग ब्लॉग कर रहे हैं, ये भी अपने हमको शूट कर रहा है, हम इन्हें शूट कर रहा है, ये हमें शूट कर रहा है, दोनों का यही चल रहा है, ये अपने मकान है हम अपने मकान है। माइक चालू है, इसमें लगा तो है ही नहीं, चालू कहाँ से है। हाँ कहाँ है माइक, कहाँ बताइए कहाँ है माइक, कौन पूछा था माइक कहाँ है, ये पूछा था माइक कहाँ है, इसको बताइए जरा माइक कहाँ है, अब बताते हैं कहाँ है माइक।